of India. Welcome back again in the Mantra family. I'm Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. जैसे कि हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया है और प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि प्लांट में बेसिकली अगर हमें जो बाहर से क्या दिखाई देते हैं, हम इसका रूट दिखाई देती है, उसका स्टेम दिखाई देता है, ओके स्टेम के अंदर इसको हम शूट अपेक्स कहते हैं, तो शूट अपेक्स के अंदर अगर हम कहें तो उसमें स्टेम दिखाई देता है, नोड दिखाई देती है, इंटर नोड दिखाई देते हैं, फ्लावर्स दिखाई देते हैं, ओके फ्रूट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप राइट रूट अपेक्स में जाते हैं तो आपको प्राइमरी रूट्स दिखाई देते हैं, सेकेंडरी रूट्स दिखाई दे सकती है, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी आपको रूट्स दिखाई दे सकती है। तो ये बेसिक पार्ट्स होते हैं जिनके हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने जैसे कि रूट के बारे में हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में कि रूट कितने टाइप की होती है, ओके टैप रूट है, ओके फाइब्रस रूट है और फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रूट है। फिर हमने इन रूट्स के बारे में स्टडी की थी, ठीक है, हमने रूट के एग्जांपल्स देखे थे कौन सी रूट कहाँ पाई जाती है, फिर रूट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखा था कि रूट के अंदर 5 बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कि रूट कैप आता है, फिर रूट मेरिस्टेमेटिक पार्ट आता है, फिर एलोंगेशन पार्ट आता है, मैचुरेशन पार्ट आता है, रूट हेयर्स होते हैं। इसके ऊपर रूट मैचुरेशन पार्ट के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं, काफी बार मेडिकल एंट्रेंस में पूछा गया है कि रूट हेयर्स कहाँ पे जनरली कहाँ पाए जाते हैं, तो रूट मैचुरेशन इज अ राइट आंसर। आज हम उस रूट के मॉडिफिकेशन देखेंगे। क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि रूट लाइक अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जनरली रूट का एक फंक्शन अगर आप टैप रूट को देखेंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रूट है, ओके एडमिनिस्ट्रेटिव रूट को छोड़ दीजिए, मेनली टैप रूट या फाइब्रस रूट को आप देखेंगे तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रूट का वो लाइक किसी अदर पार्ट के ऊपर पाई जाती है, स्टेम के ऊपर पाई जाती है, लीफ से कई बार रूट निकलती है, नोड से कई बार रूट निकल जाती है, इंटर नोड से रूट निकल जाती है, तो वो होती किसी दूसरे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अगर आप टैप रूट और फाइब्रस रूट की बात करें तो वो जैसे उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, बेसिक फंक्शन तो होता है कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, बट कभी कभी वो अपना फंक्शन चेंज कर देते हैं, लाइक जैसे कि रेस्पिरेशन अपना फंक्शन चेंज कर देते हैं, मिनरल लाइक उसके अलावा रेस्पिरेशन अपना पर्पस चेंज कर देते हैं, कई बार हो सकता है कि रेस्पिरेशन के अलावा कई बार रूट्स लाइक कई बार जो रूट होती है लाइक कुछ फूड को स्टोर कर लेती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे रूट्स होती हैं जो कि लाइक उसके क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं, तो रूट के पर्पस चेंज हो जाते हैं। एक बेसिक पर्पस तो बनवाया उसको इसलिए ताकि वो प्लांट के लिए मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन कभी कभी होता है कि रूट कई बार होता है कि रूट उस चीज को छोड़ के मेन पर्पस को छोड़ के साथ साथ किसी दूसरे में भी हेल्प करने लग जाती है, ओके तो ऐसा नहीं है कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रूट पाई जाती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रूट होती है, ओके तो उसमें कई बार होता है कि टैप रूट उसके अंदर प्रेजेंट हो और हो सकता है कि टैप रूट ना प्रेजेंट हो। हम अब हर तरीके की चीजें देखेंगे। रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर फंक्शन लाइक अदर देन द एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स, जो मैंने आपको बताया। दे आर मॉडिफाइड टू सपोर्ट स्टोरेज एंड फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सॉरी फूड एंड रेस्पिरेशन, सपोर्ट देना, ठीक है। सपोर्ट मतलब कि जो प्लांट का जो स्टेम होता है कई बार बहुत वीक होता है, तो कई बार रूट क्या होती है कि क्लाइंबिंग करने में हेल्प करती है, तो सपोर्ट करती है। स्टोरेज जैसे कि कुछ ऐसी रूट होती हैं जो अपने लाइक एडवेंचरस रूट होती है जो कि फूड को अंदर स्टोर कर लेती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए जमीकंद, शक्करकंद जिसको हम कहते हैं ना, वो लाइक इसका एग्जांपल है, ओके। इसके अलावा रेस्पिरेशन हम देखेंगे टैप रूट में, न्यूमेटोफोर का हम एग्जांपल देखेंगे, कई बार होता है रूट बाहर निकल जाती है जो रेस्पिरेशन करने के लिए। सो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, तो हमें दो टाइप के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, टैप रूट मॉडिफिकेशन एंड एडवेंटिसियस रूट मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दो ही रूट है, क्योंकि फाइब्रस रूट इट्सेल्फ इट्स लाइक इस नेक्स्ट पार्ट। फाइबरस रूट क्योंकि मॉडिफाइड इसलिए नहीं होती क्योंकि फाइबरस रूट खुद ही एक ऐसी रूट होती है जो कि अपने लाइक अदर फंक्शंस को लाइक टैप रूट का ही एक तरह का मॉडिफिकेशन माना जाता है कि टैप रूट वहाँ पे खत्म हो जाती है और वहाँ पे फाइन वहाँ पे लाइक वहाँ पे थ्रेड निकलते हैं जो कि मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अदर रूट मॉडिफिकेशन में लाइक बहुत सारे अदर वाइटल फंक्शंस भी, अदर रूट मॉडिफिकेशन में जैसे कि अदर कोई वाइटल फंक्शन परफॉर्म करना हो, बेसिकली सपोर्ट करना ही, जैसे कि सपोर्ट देना हो जब प्लांट की अदर सपोर्ट सिस्टम में, या फिर बहुत हम और डिफरेंट तरीके से इसके बारे में हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। टैप रूट मॉडिफिकेशन में कि लाइक रूट मॉडिफाई फॉर स्टोरेज द फूड फॉर फिक्सेशन द नाइट्रोजन एंड द रेस्पिरेशन, मतलब टैप रूट जो बेसिकली है आपका टैप रूट, वो बेसिकली बार लाइक अदर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लाइक जैसे कि फूड को स्टोर करना हो, रेस्पिरेशन करना हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना हो, तो वहाँ पर टैप रूट अपने आप को मॉडिफाइड करती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक है, जैसे कि टैप रूट फूड को स्टोर करती है। ध्यान रखना टैप रूट भी फूड को स्टोर कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूट भी अपने आप में फूड को स्टोर कर सकती है, और स्टेम हम जब पढ़ेंगे तो स्टेम के मॉडिफिकेशन में देखेंगे स्टेम भी कई बार अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेता है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार कंफ्यूजन कहाँ होता है कि जब आप जब हम देखते हैं कि जब फूड को स्टोर करता है कोई भी प्लांट का पार्ट,
तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो स्टेम का पार्ट है, टैप रूट का पार्ट है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रूट का पार्ट है। तो जस्ट टू मेक इट क्लियर रखिए अपने आप को। तो जैसे कि अगर टैप रूट जब अपने फूड को स्टोर करती है, टैप रूट जब फूड को स्टोर करती है, देखिए टैप रूट का मतलब क्या होता है कि ऐसी ऐसा वो रूट जो कि उसके प्लूमिनल पार्ट से निकल रहा हो वो टैप रूट होती है। मतलब एग्जांपल के लिए हम देखिए कैरेट, जिसको हम कॉनिकल रूट कहते हैं, क्योंकि उसके प्लूमिनल पार्ट से जो रूट निकलती है वो अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेती है। ठीक है, जैसे कि कैरेट हो गया जिसको हम कॉनिकल रूट कहते हैं। इसके अलावा रेडिश होता है जो कि इसको हम फ्यूजीफॉर्म रूट कहते हैं। टर्निप और बीट रूट, बीट आपने देखा होगा जिसको हम नेपिफॉर्म रूट कहते हैं। तो कॉनिकल रूट, फ्यूजीफॉर्म रूट, नेपिफॉर्म रूट, दे आर द लाइक द डेरिवेटिव ऑफ द स्टोरेज ऑफ द फूड। लाइक ये ऐसी रूट है जो कि फूड को स्टोर करती है। और जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, बीट रूट आपने देखा। ठीक है, दे आर अंडरग्राउंड रूट फॉर द स्टोरेज। ध्यान रखना ये अंडरग्राउंड रूट्स है, ये आपको अंडरग्राउंड पाई जाती है। ठीक है, अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं जो कि अपने अंदर फूड को स्टोर करती हैं। क्लियर हो गया, जैसे कि कॉनिकल रूट है, फ्यूजीफॉर्म रूट है, नेपिफॉर्म रूट है। तो बेसिकली दे आर द टैप रूट मॉडिफिकेशन जो फूड को स्टोर करते हैं। ओके, फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कि बेसिकली अब बात करें लैग्यूम प्लांट्स। लैग्यूम प्लांट्स में क्या होता है, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। जब हम लाइक हम बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे, तो नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए लैग्यूम के प्लांट में जो रूट होती है उसमें नॉड्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो जब नॉड्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो नॉड्यूल का जो फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया उसमें नॉड्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे टैप रूट में एक मॉडिफिकेशन हुआ कि जिससे वो कि नाइट्रोजन को लाइक जैसे कि वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में हेल्प कर सके। तो ये देखिए, ये टैप रूट है, दिख रही है, ये टैप रूट है। उस टैप रूट की ये हो सकती है अदर ब्रांचेस दिख रही है, लेकिन है तो टैप रूट ही। तो यहाँ पे नॉड्यूल्स दिख रहे हैं, ये नॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन है जो कि टैप रूट पे हो चुका है। ओके, जो आपको ये नॉड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हुआ है। अब जैसे कि रेस्पिरेशन पर्पज के लिए, देखिए स्टोरेज हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, अब रेस्पिरेशन पर्पस के लिए। अगर आप कई बार जैसे कि साउथ इंडिया विजिट कीजिए, केरला विजिट कीजिए, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की जो सॉइल होती है उसके अंदर सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। वो बेसिकली स्वाम्पी एरिया होते हैं, जहाँ पे मतलब दलदल एरिया होता है, दलदल ज़्यादा होता है। एंड उस केस में हेलोपाइट्स होते हैं, मतलब सॉल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं सॉइल के अंदर। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, उसके सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस केस में लाइक राइजोपोरा जैसे प्लांट की जो रूट होती है, ठीक है, जो रूट होती है वो मिट्टी सॉइल से जस्ट ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ वर्टिकली बाहर आ जाती है। इस तरीके से मतलब ये रूट है, तो कई बार रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो क्योंकि वो स्वैम्पी एरिया होता है, थोड़ा हेलो लाइक सॉल्ट एरिया होता है, तो उसकी रूट लाइक उसकी रूट थोड़ी सी ऊपर की तरफ निकल जाती है, जिसको हम न्यूमेटोफोर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जिसको हम न्यूमेटोफोर कहते हैं, जो कि जैसे देखिए ये दिख रही है आपको रूट, यहाँ पे इसकी जो प्लांट था उसकी प्लांट ने क्या किया, उसकी रूट बाहर आ गई। क्यों और क्यों बाहर आ गए, क्योंकि इसको रेस्पिरेशन करना था। इसके ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे से फॉल होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को ले पाते हैं। अब देखेंगे कहीं पर स्वाम्पी एरिया हो या हेलोफाइट्स एरिया होते हैं, जहाँ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, वहां पे ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रूट मॉडिफिकेशन, ये तो था टैप रूट मॉडिफिकेशन, अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रूट मॉडिफिकेशन। ये ऐसी रूट होती है जो कि प्लूमिनल पार्ट के अलावा कहीं से भी निकल सकती है, मतलब एनी साइड लाइक लीफ से, फ्लोवर को तो नहीं, फ्लोवर क्योंकि फ्लोवर तो वैसे बात का एक फ्लोवर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, वो नहीं, फ्लोवर से सॉरी इसके लीफ से निकल सकती है, उसके पेट्यूल से निकल सकती है, ओके इसके स्टेमिना से निकल सकती है, ओके या उसके लाइक नोड से, इंटर नोड से, कहीं से भी, स्टेम से भी निकल सकती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन रूट हमने पढ़ी है, तो ये रूट क्या करती है, ये वैसे भी मॉडिफाई किसी, ये क्यों निकलती है, क्योंकि इनको भी कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करना होता है। हो सकता है कि एक प्लांट जिसके अंदर दोनों प्रेजेंट हो, टैप रूट भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन रूट भी हो। हम देखेंगे जैसे कि बनियान ट्री होता है, जो जिसको हम लाइक फिकस मतलब बरगद का पेड़, उसके अंदर टैप रूट भी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन रूट भी होती है। ऐसी रूट भी होती है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन रूट हो। अब सोचिए एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर टैप रूट नहीं है, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रूट है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूट के ऊपर ही, अब एडमिनिस्ट्रेटिव रूट के ऊपर दोनों काम आ जाते हैं। क्या काम आ जाते हैं, उसको भैया ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको ऑक्सीजन, मिनरल्स, वाटर, सब वो भी इसको भी एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और साथ साथ सपोर्ट देना भी पड़ता है। तो ऐसा प्लांट जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रूट प्रेजेंट होती है, मतलब टैप रूट इसमें नहीं प्रेजेंट हो, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रूट प्रेजेंट हो, उसको ज्यादा फंक्शन करने पड़ जाते हैं। So, administrative root modified them for storage of food, for support and or like taking other food. Okay? कई बार फूड को लेने के लिए, मतलब स्टोर फूड अलग है और टेकिंग अ फूड अलग है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, अदर प्लांट से फूड लेने के लिए एक उनके अंदर हॉस्टेरिया एक सक्शन पार्ट होता है, जिसके थ्रू वो फूड को अंदर से लेते हैं। अब लाइक फॉर स्टोरेज ऑफ फूड,
मॉडिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूट अकर फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. कई बार क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूट होती है, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव रूट क्या करती है, फूड को अपने अंदर स्टोर कर लेती है. दे डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव रूट फ्रॉम अ स्टेम. मतलब उस केस में जो स्टेम से क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूट डेवलप होती है, और जैसे कि स्टेम है उससे एडमिनिस्ट्रेटिव रूट डेवलप हुई और अंदर ग्राउंड के अंदर जाके उनके अंदर फूड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, मतलब फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि स्वीट पटाटो जैसे हम कहते हैं, लाइक जमीकंद कह सकते हो या शकरकंद कह सकते हो. तो शकरकंद ध्यान रखना, स्वीट पटाटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रूट. कन्फ्यूजन क्या होता है कि जो पटाटो होता है ना, वो होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन, क्योंकि उसमें भी स्टेम के अंदर आपका फूड स्टोर होता है, लेकिन स्वीट पटाटो में उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रूट के अंदर फूड का स्टोर होता है. तो ये कन्फ्यूजन दो साइड होता है, तो प्लीज ऐसा कन्फ्यूजन मत रखिएगा. स्वीट पटाटो में उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रूट के अंदर फूड का फॉर्मेशन है, और पटाटो के अंदर उसके स्टेम के अंदर फूड का फॉर्मेशन होता है, फूड का स्टोरेज होता है, सॉरी. ठीक है, हो गया. जैसे क्या होता है, उसकी स्टेम है, उससे एडमिनिस्ट्रेटिव रूट निकलती है जो कि मिट्टी के अंदर जाती है और वहाँ पे अंदर अपने फूड को स्टोर कर लेती है फॉर प्रोवाइडिंग ए सपोर्ट. अब ऐसे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी रूट होती है, लाइक प्रॉप रूट है, क्लाइंबिंग रूट है, क्लिंगिंग रूट है. ओके, अब हम बात करेंगे प्रॉप रूट के बारे में. प्रॉप रूट, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपने बरगद के पेड़ में देखा होगा बचपन में, आप उसके जैसे देख रही है, आपको ये देखिए बरगद के पेड़ में देखिएगा, ये रूट निकल रही है. ठीक है, ये इसकी रूट निकल रही है, इसके स्टेम से रूट निकलती है, क्योंकि बरगद का पेड़ इतना ज्यादा डेंस होता है, इतना ज्यादा बड़ा होता है, विशाल होता है, कि उसकी टैप रूट कई बार क्या होता है, उसको सपोर्ट देने में इनकैपेबल होती है. तो उसके स्टेम से रूट निकलती है और उसके ग्राउंड तक जाती है, जिससे कि आप पूरे बरगद के प्लांट को, लाइक उस पूरे स्ट्रक्चर को वो सपोर्ट दे सके. ठीक है, इसे ट्रैप रूट कहते हैं, तो सॉरी प्रॉप रूट कहते हैं. तो ये प्रॉप रूट बेसिकली बरगद के पेड़ में आपने देखा होगा, बचपन में झूलते भी थे काफी बच्चे, हम भी झूले हैं बचपन में, लाइक प्रॉप रूट की हेल्प से झूलते भी थे, लेकिन उनको झूलने के लिए नहीं बनाई है, वो अपने सपोर्ट को देने के लिए, क्योंकि सपोर्ट कम पड़ जाता है टैप रूट से, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूट निकल के उसको सपोर्ट देती है. ठीक है, बनियान ट्री कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम अगर आपको याद करना हो तो फिकस वेनालगिनेसिस. ओके, ये प्रॉप रूट कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है प्रॉप रूट से रिलेटेड. ठीक है, ये इसकी प्रॉप रूट है. ओके, अब जैसे क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट क्या होता है, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूट होती है. ओके, एंड दे अराइज फ्रॉम अ नोड और इंटरनोड इन प्लांट हैविंग अ वीक स्टेम. जहाँ पे वीक स्टेम्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत वीक स्टेम होता है, ठीक है, उस केस में प्लांट अपने आप को चढ़ा नहीं पाता, तब होता है ना, ऐसे कह सकते हो कि प्लांट को फॉर एग्जाम्पल पैरालिसिस हो गया. अब उसको पैरालिसिस हो गया तो उसको कुछ ना, आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो नोड या इंटरनोड से एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूट निकलती है जो कि उसको किसी के सपोर्ट लेके चढ़ाने में हेल्प करती है. The root help in the climbing by penetrating the crack of support. देखिए वो जो रूट होती है उसके लाइक क्लाइंबिंग में करने में हेल्प करती है. एग्जाम्पल के लिए पोथास, मनी प्लांट नाम है जिसका, बिटर ग्राउंड, करेला, बीटल, पान. तो ये बेसिकली एग्जाम्पल्स आते हैं क्लाइंबिंग रूट के. जैसे कि देखिए ये क्लाइंबर है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये क्लाइंबर है. ओके, क्लिंगिंग रूट, क्लिंगिंग रूट क्या होता है, ये मॉडिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव रूट होती है जो कि उसके नोड से बाहर आती है. ओके, और प्लांट को किसी सपोर्ट के चारों तरफ चढ़ने में हेल्प करती है. क्लाइंबिंग अलग है, क्लिंगिंग अलग है, मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा. देखिए क्लाइंबिंग में भी क्या था, उसके नोड से या इंटर नोड से आपके कोई रूट बाहर आ रही थी और वो किसी भी लाइक सपोर्ट के चारों तरफ चढ़ने में हेल्प कर रही थी और हेल्प कर रही थी एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अराउंड ए सपोर्ट, जो कि सपोर्ट लाइक सपोर्ट के चारों तरफ चढ़ने में हेल्प करती है. क्लाइंबिंग रूट हैविंग अ ग्रीन स्टेम टू होल्ड अ सपोर्ट, बट क्लिंगिंग रूट आर रूट विच क्रॉल ऑन अदर्स. ठीक है, जैसे याद रखिएगा क्लाइंबिंग रूट जो क्या होता है, वो ग्रीन स्टेम होते हैं, जो कि ग्रीन स्टेम होते हैं. ठीक है, जो क्लाइंबिंग रूट होते हैं हैविंग ग्रीन स्टेम टू होल्ड अ सपोर्ट, बट क्लिंगिंग रूट्स आर विच क्रॉल ऑन अदर्स. क्या होता है कि बेसिकली होता है क्या है कि जो क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं वो ग्रीन स्टेम होते हैं, मतलब जो कि होल्ड जो कि क्लाइंबिंग रूट जो होते हैं हैविंग जो क्लाइंबिंग रूट्स होती है, मतलब जिन प्लांट्स के अंदर क्लाइंबिंग रूट्स होती है उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन स्टेम होता है. तो ग्रीन स्टेम होने के वो लाइक ग्रीन स्टेम होता है तो अपना फूड का फॉर्मेशन वो खुद कर सकता है. बट क्लिंगिंग रूट्स आर रूट विच क्रॉल ऑन अदर्स, लाइक जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर पाई जाती है, जो ऐसी रूट है जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर पाई जाती है. एग्जाम्पल के लिए ऑर्किड, मतलब ये अपना जो फूड के फॉर्मेशन के लिए कभी दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं. देखिए जैसे कि पिक्चर दिखाता हूँ बाद में. क्लिंगिंग रूट अकर इन ऑर्किड बिकॉज अब सिर्फ ऑर्किड लिव ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, सो देयर रूट आर मॉडिफाइड टू एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय हैंगिंग ए फ्रीली इन द वाटर. मैं आपको बताता हूँ कैसे कि ऑर्किड का जो प्लांट होता है, ऑर्किड का प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर पाया जाता है, अगर क्योंकि उसकी जो प्लांट की जो रूट होती है उसको एयर से मॉइस्चर को हेल्प एयर से मॉइस्चर को रिसीव करती है और उससे वो फोटोसिंथेसिस करती है और अदर फंक्शन परफॉर्म करती है. जैसे एग्जाम्पल आपको देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए क्लिंगर प्लांट्स है, दिख रहा है आपको, ये क्लिंगर प्लांट्स होती है. ओके,
बोथ क्लाइंबिंग एंड क्लाइंबिंग रूट आर सेम, बोथ आर मॉडिफाइड द एडवेंटिजियस रूट, जो कि नोड से बाहर आती है, दोनों ही चढ़ने में हेल्प करती है, मतलब क्लाइंबिंग में हेल्प करती है, बट क्लाइंबिंग रूट सॉरी क्लाइंबिंग रूट हैविंग स्टेम ग्रीन स्टेम, ये स्टेटमेंट मैं दोबारा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लाइंबिंग रूट हैविंग स्टेम मतलब क्लाइंबिंग रूट में क्या होता है कि उसके पास खुद का स्टेम होता है, क्लाइंबिंग रूट क्या होता है उसके पास खुद का स्टेम होता है, हैविंग स्टेम उसके पास खुद का स्टेम होता है, ग्रीन स्टेम होता है क्लाइंबिंग रूट के पास में खुद का स्टेम होता है, ठीक है, लेकिन क्लाइंबिंग रूट में क्या होता है कि ये इसके पास खुद का स्टेम नहीं होता है, ये उसका स्टेम नहीं होता है, ये दूसरों के ऊपर स्क्रॉल होती है, समझ में आ गया, ये डिफरेंस आपको मिलेगा, मैंने हर एक प्रीवियस स्टेटमेंट करेक्ट कर लीजिएगा, क्लिंगिंग रूट जो क्लिंगिंग प्लांट्स होते हैं अपना फूड का फॉर्मेशन खुद कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है क्लाइंबिंग रूट के पास खुद का स्टेम होता है जो कि होल्ड सपोर्ट करता है, मतलब होल्ड करता है फिर आगे ऊपर चढ़ने में सपोर्ट करता है, बट क्लिंगिंग रूट्स ऐसे रूट्स होते हैं दूसरों के पास स्क्रॉल करती हैं, जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि बार्क, ठीक है, कोई भी आप ट्री का बार्क, ट्री का एक ट्रंक ले लीजिए, मतलब ट्री का कोई ट्रंक है, ठीक है, जो कि वैसे फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे ही लाइक से ग्राउंड में पड़ा हुआ है, ट्री का एक ट्रंक है, ठीक है, अब उसके ऊपर कोई ऑर्किड का प्लांट है, ऑर्किड के फ्लावर्स देखे होंगे आपने, ऑर्किड के प्लांट के पास में खुद का कोई स्टेम नहीं होता, तो वो क्या करती हैं कि उसके लाइक अब वो क्या करते हैं कि उसके जहाँ से उसका जो पैच्यूल होता है वहीं से कुछ रूट्स निकलती हैं, जो क्लिंगिंग रूट्स निकलती हैं जो कि उसकी चारों तरफ ट्रंक के चारों तरफ लपेट जाती हैं, जिससे कि उसको अपना स्ट्रक्चर स्टेबलाइज करने में हेल्प मिलती है, समझ में आ गया, क्लिंगिंग रूट में अभी देखिए जो क्लिंगिंग रूट है ये ट्रंक के चारों तरफ ये स्ट्रॉल हो गई है, ट्रंक के चारों स्ट्रॉल हो जाती है उसके सराउंडिंग होने से लाइक वो उस ऑर्किड को स्टेबल रख सकती है, अब फिर उसके बाद में उससे लाइक कुछ अदर्स रूट देखिए, अब इसके बाद क्लिंगिंग रूट है, लेकिन क्लिंगिंग रूट जो होती है ये क्या सपोर्ट का काम करती है, ये किसी तरह का कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं करती है, किसी तरह का कोई मिनरल एब्जॉर्प्शन ये नहीं करती है, लेकिन अभी अब दिए ऑर्किड को प्रॉब्लम क्या है, इसको सपोर्ट तो मिल गया लेकिन खाना भी चाहिए, सांस ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीजन चलन की ऑक्सीजन के लिए तो चलन की लीफ है वो ऑक्सीजन ले लेगी, लेकिन अब रूट अब भैया हमको मिनरल्स तो चाहिए ना कहीं से, वाटर तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए होगा, और प्लांट्स को अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो भैया वाटर चाहिए होगा, और वाटर सिर्फ रूट से मिलता है, ठीक है, अब वो दूसरी तरह की रूट और निकालती है जिसको हम एरियल रूट कहते हैं, देखिए एरियल रूट होती है जो कि हाइड्रोस्कोपिक होती है, ये क्या करती है एटमॉस्फेयर से, ये क्या करती है एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ये एक्चुअली क्या फ्री हैंगिंग होती है एटमॉस्फेयर में, फ्री हैंगिंग होती है और एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, इसके अंदर बेसिकली वेलोमेंट टिश्यू होता है जो कि एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो ऑर्किड के अंदर दो रूट निकलती है, वन इज फॉर द क्लिंगिंग एंड सेकेंड इज फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन, तो क्लिंगिंग इज जस्ट फॉर द इट जस्ट फाउंड ऑन द अदर स्टेम लाइक ए ट्रंक फॉर जस्ट लाइक कह सकते हो कि इसको सपोर्ट देने के लिए, लेकिन जो एरियल रूट होती है उसके अंदर लाइक वो होती है वाटर या मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने के लिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर, एक वेनेडा एक तरह का प्लांट होता है, जिस वेनेडा में अगर आप देखेंगे ये ट्री का एक ट्रंक है, तो इसके पास खुद का कोई स्टेम नहीं है, देखिए खुद का कोई स्टेम नहीं है इसका, इससे क्या होता है कि दो रूट निकलती है, एक रूट तो अगर आप देखेंगे तो एक रूट जो होती है वो तो जस्ट स्क्रॉल डाउन हो जाती है जो कि उसको खड़ा करने में हेल्प करती है, लेकिन दूसरी रूट देखिए एरियल रूट निकलती है जो हवा में लटकी हुई होती है जिससे कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है एटमॉस्फेयर से, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर, अब ये क्या करता है इसका जो वेलामेंट टिश्यू होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है, वेलामेंट टिश्यू जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो यही फर्क है क्लाइंबिंग और क्लिंगिंग है, क्लाइंबिंग के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर खुद का स्टेम होता है, उसके अंदर खुद का स्टेम होता है तो उसका जो स्टेम होता है उससे जो स्टेम होता है उसके स्टेम से रूट निकलती है, बस एडवेंस से रूट निकलती है जो कि किसी भी अदर प्लांट की अदर कोई भी आप रोड लगा दीजिए या कोई भी इस अदर स्ट्रक्चर के चारों तरफ लपेट जाती है, लेकिन क्लिंगिंग के अंदर खुद का कोई स्टेम नहीं होता, तो उसकी जो रूट निकलती है अब उसकी जो रूट निकलती है वो लीफ से निकल सकती है, ठीक है, या फिर लीफ का जो लाइक जो लोवेस्ट पोर्शन होता है ओके पेट्यूल उससे निकल सकती है, तो कहीं से भी उसकी एडवेंचरस रूट निकल सकती है क्योंकि स्टेम प्रेजेंट नहीं उसके अंदर, तो वेलामैन रूट ऐसे एपिफाइट के अंदर पाई जाती है, जैसे देखिए मैंने आपको एग्जांपल बताए थे जैसे कि ऑर्किड है वेनेडा है, इनको एपिफाइट प्लांट बोलते हैं क्योंकि एपिफाइट का मतलब क्या होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे के सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है,
जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एपिफाइट का मतलब होता है अबव और फाइट मतलब किसी दूसरे के ऊपर। जैसे कि एपिफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि दैट ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लांट, जो किसी दूसरे सर्फेस प्लांट के सर्फेस पे ग्रो करते हैं और वहाँ से मॉइस्चर को और वहाँ से मॉइस्चर को न्यूट्रंट को एयर से लाइक रेन से एयर से लाइक रेन वाटर से और किसी दूसरे डेब्रिस कंपोनेंट से कंपोनेंट्स को लेते हैं। ठीक है, सो दूसरे कंपोनेंट के ऊपर तो लाइक एक तो हो गया कि उसका सपोर्ट के लिए, दूसरा ऐसे प्लांट दूसरा वो क्या करते हैं एयर से रेन वाटर से या फिर दूसरे डेब्रिस लाइक जो वेस्ट मटेरियल है उससे कई बार वो न्यूट्रिएंट्स को लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑर्किड है, वेनेडा इसके एग्जाम्पल आते हैं, वेलामेन रूट या वेलामेन। ओके, ऐसे कुछ मल्टी लेयर एपिडर्मिस होती हैं जो कि उसको वेलामेन कहते हैं। वी कंसिस्ट ऑफ द नॉन लिविंग कॉम्पैक्ट सेल विद द लिग्निफाइड स्ट्रिप्स ऑफ सेकेंडरी वॉल। देखिए वेलामेन टिश्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो वेलामेन टिश्यू होता है ये वेलामेन टिश्यू सिर्फ कहाँ पाया जाता है, उसके एरियल की रूट के अंदर। अगर मैं जस्ट उसके बाद अगर एरियल की रूट का ट्रांसेक्शन करता हूँ तो ट्रांसेक्शन करने में हमको वेलामेन टिश्यू दिखाई देते हैं। ये वेलामेन टिश्यू क्या होता है कि ये मल्टी लेयर एपिडर्मिस होती है जिसकी मल्टी लेयर एपिडर्मिस होती है विच कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग कॉम्पैक्ट सेल विद द लिग्निफाइड स्ट्रिप्स ऑफ द सेकेंडरी वॉल। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ उसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, आपको हेल्प होगी। देखिए ये तो सारा स्ट्रक्चर वही है, लाइक आप देखेंगे ये हमें रूट में पढ़ाई है। ठीक है, बस इसमें क्या होगा, रूट का ही ट्रांसेक्शन है, रूट में क्या हुआ कि इसके अंदर ये एक्सोडर्मिस है। ठीक है, ये एक्सोडर्मिस है, ठीक है, मतलब ये एपिडर्मिस के एक्सोडर्मिस का बाहर का पोर्शन है। तो ये वेलामेन टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वेलामेन क्या होता है, नॉन लिविंग कॉम्पैक्ट सेल होती है जो कि लिग्निफाइड स्ट्रिप्स होता है जिसके ऊपर ये नॉन लिविंग कंपोनेंट सेल्स होती हैं। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट सेल होती है, नॉन लिविंग इसलिए होते हैं क्योंकि इसके उसके ऊपर लिग्निन का सेकेंडरी डिपोजिशन हो चुका होता है। ठीक है, लिग्निन का सेकेंडरी डिपोजिशन हो चुका होता है जिसकी वजह से लाइक नॉन लिविंग हो जाती है। अब क्या होता है कि ये लाइक एक वेलामेन टिश्यू होता है, तो टिश्यू क्या होता है एक तरह के, ये किस तरह से काम करता है, वेसल्स की तरह काम करेगा। जैसे उसके चारों तरफ की वॉल तो खत्म होगी तो उसके ल्यूमन से वो जो मॉइस्चर होता है वाटर होता है उससे पास हो जाता है। द सेल प्रोवाइड द सपोर्ट, प्रिवेंट द वाटर लॉस एंड असिस्ट द प्लांट द एब्जॉर्बिंग द वाटर। अब आता है कि कुछ ऐसे एडवेंचरस रूट जो कि पैरासाइट्स की तरह काम करती है। जैसे किसी दूसरे से अगर उनको फूड लेना है, एग्जाम्पल के लिए कैस्कुटा क्या होता है, पैरासिटिक प्लांट होता है क्योंकि उसके अंदर कोई ग्रीन कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता है जिसके से फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर सकते। अब ऐसे भैया फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो हेटरोट्रॉपिक हो गए, अब वो किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर द एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट एंड ग्रोथ के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये कैस्कुटा प्लांट होता है, दिख रही है कैस्कुटा प्लांट की एडवेंचरस रूट होती है। तो अब उसमें क्या होता है, देखिए एग्जांपल के लिए मान के चलिए कोई ये जैसे कि कैस्कुटा प्लांट है, सॉरी ये कैस्कुटा प्लांट है, इस कैस्कुटा प्लांट ये किसी होस्ट के ऊपर वो एक सर्वाइव कर रहा है। अब उस कैस्कुटा प्लांट से नीचे की तरफ अगर आपको देखेंगे होस्टीरिया जो कि सकिंग ऑर्गन होता है, उसमें जो कि सकिंग पार्ट होता है, ये सकिंग पार्ट क्या होता है उसकी लीफ में जाके या स्टेम में जाके वाटर या मिनरल या फिर फूड को वहां से एब्जॉर्ब करता है, होस्टीरिया सकिंग पार्ट है। तो ये जिसके ऊपर भी होस्ट होता है, ये अब नॉन लिविंग के ऊपर नहीं हो सकता, ये लिविंग के ऊपर ही होगा जहां से वो कंपोनेंट को लाइक किसी भी मिनरल को वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये देखिएगा ये दिख रहा है आपको, एक कैस्कुटा प्लांट होता है जो किसी दूसरे के प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए और उनके वहां से कंपोनेंट को सक करने के लिए उनमें फोस्टीरिया पाया जाता है जो कि एक सकिंग पार्ट है। फॉर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कई बार क्या होता है कि जो फाइब्रस रूट जो क्या कहते हैं रेडिकल पार्ट से जनरेट होती है, कुछ रेडिकल पार्ट से एक चीज और सर, लाइक मैंने पहले वर्ड में पेट्यूल बोल दी थोड़ी सॉरी, जो बेसिकली आपके जितने भी टैप रूट होती है नॉट जनरेटेड फ्रॉम सॉरी मैंने स्टार्टिंग में साथ एक गलत स्टेटमेंट दे दिया था कि आपके जितने भी टैप रूट होती हैं वो जो टैप रूट होती हैं वो बेसिकली आपके जितने भी रूट पार्ट होता है वो रेडिकल पार्ट से जनरेट होती हैं, रेडिकल पार्ट से जनरेट होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है उस रेडिकल पार्ट में कई बार होता है कि ज़्यादा वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए जैसे गेहूँ है चावल है उनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करते हैं उनका टैप रूट खत्म हो जाता है और उनकी जो रूट होती है बहुत सारे फाइन फाइन थ्रेड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने में और न्यूट्रन को एब्जॉर्ब करने में मोर इफेक्टिव होती है। एग्जाम्पल के लिए वीट है, राइस है, एक एग्जाम्पल आते हैं। इसके अलावा सम रूट ऑल्सो जनरेट फ्रॉम मेज एंड बम्बू, ओके ये भी सेम उसके एग्जाम्पल है। आप देखेंगे फाइब्रस रूट है, ठीक है, ये फाइब्रस रूट है जो कि उसके रेडिकल पार्ट से जनरेटेड है। टैप रूट हो फाइब्रस रूट हो दोनों रेडिकल पार्ट से जनरेट होती है। एडवेंचरस रूट होती है रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से भी जनरेट हो सकती है। स्टार्टिंग में शायद गलत वर्ड यूज करते हैं, इट्स रेडिकल पार्ट। ओके
नाउ फॉर एडिशनल सपोर्ट, कुछ स्ट्रिक्ट रूट होती है, जैसे कई बार मैं आपको पहले स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, आपको समझ रहा वहाँ से आसान होगा। देखिए ये, सॉरी ये दिख रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका स्टेम है, तो स्टेम के कई बार उसकी जो नोड होती है, उसकी नोड से कुछ ऐसी हार्ड रूट बाहर निकलती हैं जो कि उसको सपोर्ट करने में हेल्प करती है। जैसे आपको पता है कि जितनी भी और रेडिकल रूट्स होते हैं, रेडिकल पार्ट से जनरेट हो रही हैं, लेकिन इसमें जो रूट है वो बेसिकली स्टेम के नोड पार्ट से जनरेट होती हैं जो कि उसको सपोर्ट देने में हेल्प करती है। इसको हम स्टिल्ट रूट कहते हैं, जो कि एग्जाम्पल में बंबू और मेज के अंदर पाई जाती है। कुछ जैसे बेसिकली मैंने कुछ यहाँ पे लाइक डिफ्रेंसिएशन कर दिया है अपनी साइड से, कि जैसे कि अंडरग्राउंड रूट स्टोरेज की बात करें, ठीक है, अंडरग्राउंड रूट स्टोरेज है। सेकंड सा एरियल रूट है फॉर वेरियस फंक्शन। अगर आप ये अंडरग्राउंड रूट स्टोरेज में आते हैं तो टैप रूट में देखें, एडवेंचरस रूट में देखें, तो उसके एग्जांपल यहाँ पे है। टैप रूट के अंदर कॉनिकल रूट है, फ्यूजीफॉर्म रूट है, नेपिफॉर्म रूट है। एडवेंचरस रूट में जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर को, अंडरग्राउंड फूड को स्टोर करते हैं, एग्जाम्पल के लिए ट्यूबरस पटाटो होता है, ट्यूबरस लाइक्स को, स्वीट पटाटो को हम ट्यूबरोसिस भी कहते हैं, ठीक है, ट्यूबरोसिस भी कहते हैं, और पटाटो को हम ट्यूबर कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे स्टेम मॉडिफिकेशन में। समझ में आ गया? तो स्वीट पटाटो जहाँ पे स्टोर होता है, जहाँ उसका स्टार्च जहाँ स्टोर किया जाता है, उसको हम ट्यूबरोसिस कहते हैं। अब आइए एरियल रूट के ऊपर फॉर वेरियस फंक्शन। तो एरियल रूट के अंदर यहाँ पे दो चीज़ें लिखी है, फॉर रेस्पिरेशन पर्पस, फॉर मैकेनिकल पर्पस। मैकेनिकल मतलब वहाँ सपोर्ट देना हो जाता है, बेसिकली वहाँ सपोर्ट देना आ गया, मैकेनिकल का मतलब ये। तो वेरियस रेस्पिरेशन पर्पस के लिए इसमें ऑर्किड पड़ा एफिफाइट रूट होती है, ठीक है, जो कि उसको जो कि क्लिंगिंग का एग्जाम्पल है। न्यूमेटोफोर राइजोपोरा के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ये भी लाइक इसके अंदर जो कि न्यूमेटोफोर पाया जाता है, जो कि रेस्पिरेशन के लिए वो यूज़ करते हैं। अब उसके लिए मैकेनिकल रूट में आ जाते हैं। तो एपिफाइट रूट में ध्यान रखना, यहाँ पे एपिफाइट रूट में, इसको एरियल रूट भी बोलेंगे तो भी बात वही है। मैकेनिकल सपोर्ट में आते हैं तो मैकेनिकल पर्पस में प्रॉप रूट होता है, जो कि बनियान ट्री के अंदर पाया जाता है, क्लिंगर ऑर्किड के अंदर पाया जाता है, ओके, क्योंकि ऑर्किड के अंदर दोनों तरह की आपकी रूट्स हैं, एरियल रूट्स भी हैं और साथ साथ सपोर्टिंग रूट्स भी हैं। सपोर्टिंग रूट आपकी क्लिंगिंग रूट्स होती हैं, और इसके अलावा जो एपिफाइट रूट्स कह सकते हो या फिर एरियल रूट कह सकते हो, जो कि आपके रेस्पिरेशन पर्पस में यूज होती हैं। फिर क्लाइंबर में बैटल ट्री आ जाता है, ठीक है, एंड पान का पौधा है, ओके, एंड फिर उसके अलावा स्टिल्ट रूट होती है जो बंबू और मेज के अंदर पाई जाती है, ओके। सो यहाँ पे हमारा रूट का मॉडिफिकेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेम के बारे में स्टडी करेंगे कि स्टेम कितने टाइप के होते हैं, स्टेम कितने वीक स्टेम है, स्ट्रॉन्ग स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, स्टेम में क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं वो तो हम देख चुके, खैर फिर स्टेम के मॉडिफिकेशन पे आएंगे, तो स्लोली एंड स्लोली हर चीज़ कवर करेंगे। स्टार्टिंग के लेक्चर में एक पॉइंट्स में से गलत डिस्कस हो गया था, गलत स्टेटमेंट मैंने दे दिया था कि आपका जो रूट होता है वो बेसिकली आपका रेडिकल पार्ट से निकलता है, मैंने गलत वर्ड यूज़ कर लिया था, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। तो प्लीज़ आप भी ध्यान रखिएगा, जो टैप रूट है, फाइब्रसिस रूट है, जो मेन रूट है वो रेडिकल पार्ट से बाहर निकलती है, ओके। सो जब तक घर पर रहिएगा, घर पर रहिए, सावधान रहिए, धन्यवाद।